जी तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज ए से लेकर जेड तक। तो उसके लिए कंटिन्यू करते हैं। पहली शॉर्टकट की है ए, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए इज फॉर सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल जो है वो मल्टीपल स्टेप्स में मल्टीपल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी डाटा में या किसी टेबल में हमारा कर्सर अवेलेबल है और हम कंट्रोल ए को प्रेस करते हैं, तो कंट्रोल ए जो है वो उस टेबल या उस डेटा को सिलेक्ट करेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, कंट्रोल ए। और अगर दोबारा हम इसको प्रेस करेंगे तो ये अपनी सिलेक्शन को एक्सपेंड कर देगा टू द वर्क बुक, अगेन कंट्रोल ए। तो ये पूरी वर्कशीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। सो कंट्रोल ए इज फॉर सिलेक्ट ऑल। आगे है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी इज फॉर बोल्ड। किसी भी डाटा को, किसी भी सिलेक्शन को बोल्ड अप्लाई करने के लिए, उसको डार्क करने के लिए हम कंट्रोल बी ऑप्शन अप्लाई करते हैं। कंट्रोल बी, लुक, ये हमने जो सिलेक्ट किया था या जहां पे हमारा कर्सर अवेलेबल था वो डाटा जो है वो डार्क हो गया एज कंपेयर टू अदर डाटा। सो दिस इज कंट्रोल बी। नाउ कंट्रोल सी। कंट्रोल सी इज फॉर कॉपी। हम अगर कोई भी डाटा कॉपी करके, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंट्रोल सी की कमांड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये सिलेक्ट करेंगे इस कॉलम को, हम चाहते हैं कि ये कॉलम जो है या इसका डाटा जो है हमने यहाँ इस कॉलम में भी, एच कॉलम में भी रखना है, तो हम इसको कॉपी करेंगे विद कंट्रोल सी, कंट्रोल एंड सी। ये कॉपी हो गया। अब जहाँ भी हमने पेस्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल वी कमांड है जो आगे भी आएगी, या हम कर्सर को रखकर जस्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो भी ये पेस्ट का ही ऑप्शन परफॉर्म होगा। लुक, ठीक हो गया। इसको हम डिलीट करते हैं। दिस वाज कंट्रोल सी फॉर कॉपी। नाउ कंट्रोल डी। कंट्रोल डी इज यूज फॉर फिल डाउन। डाउन फिल करने के लिए जो भी अप में, अप वाले सेल में डेटा अवेलेबल है उसको कॉपी करके नीचे डाउन में पेस्ट कर देगा। हमें दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे इस जगह पे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाले सेल में नेम ऑफ स्टूडेंट डाटा लिखा हुआ है वो नीचे वाले सेल में भी आ जाएगा, कंट्रोल डी से वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा या उसी की डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। कंट्रोल डी फॉर फिल डाउन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट जो है वो नीचे पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल डी। तो हमें कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको रिवर्स करते हैं, ठीक हो गया। डी, कंट्रोल डी इज फॉर फिल डाउन। नाउ कंट्रोल ई। कंट्रोल ई एक बहुत ही बेहतरीन कमांड है कि ऑटो करेक्ट या फिल पैटर्न के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे कोई डाटा लिखते हैं, इस जगह पे कोई डाटा लिखते हैं, या ये हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है ये दो सेल्स में, और हम चाहते हैं कि इनकी कॉम्बिनेशन से यहाँ पे हम नया जो है ना वो कोई टेक्स्ट फिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लिखते हैं नज़ाकत गुड, स्पेस डी, एंटर करते हैं। ये हमने लिख दिया, ये बी एंड ई की कॉम्बिनेशन से हमने ये डाटा लिखा है। अब अगर हम कंट्रोल ई को अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लुक दैट, ये फिल पैटर्न हो गया कि हमने जो पैटर्न ऊपर इसको डिस्क्राइब किया था कि बी कॉलम और ई कॉलम की कॉम्बिनेशन से जो पैटर्न बनता है वो एफ कॉलम में हमने एंटर किया है। अब हम कंट्रोल ई जब अप्लाई करेंगे तो रेस्ट ऑफ रोज में या रेस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में भी वही पैटर्न ये फिल कर देगा। आप देखेंगे कि जो बी और ई का कॉम्बिनेशन हमने इसको पहले बताया था उसी पैटर्न से इसने बाकी रिकॉर्ड को भी फिल कर दिया है। तो कंट्रोल ई इज़ फॉर फिल पैटर्न, या ऑटो करेक्ट के लिए भी ये
टर्म यूज होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ इज फॉर फाइंड। हम अपने वर्कबुक में या वर्कशीट में किसी भी वर्ड को या किसी भी चीज को सर्च करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो कंट्रोल एफ का ऑप्शन यूज करेंगे, कंट्रोल एफ। और वो हमें उसको बताना पड़ेगा कि क्या हम इस सर्च करना चाह रहे हैं पूरे इस रिकॉर्ड में। अभी तो हमारे पास इस वर्कशीट में बिल्कुल ही कम डाटा जो है हमने फिल किया हुआ है सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अगर डाटा जो है हमारा बहुत ज़्यादा लेंदी हो और बहुत बड़ा डाटाबेस हो, तो उसमें सर्च करने के लिए हमें डिफ़िकल्टी होगी। आसानी के लिए हम फाइंड की कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि हमने सर्च करना है इकबाल, कहाँ लिखा हुआ है, वो पूरी वर्कशीट को सर्च करके हमें बता देगा। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, कर्सर ऑटोमेटिकली उस वर्ड पे आ जाएगा इकबाल। और अगर मल्टीपल होंगे तो वो फाइंड नेक्स्ट करके भी हम उसको सर्च कर सकते हैं। नाउ कंट्रोल जी। कंट्रोल जी इज फॉर, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि कंट्रोल जी इज फॉर गो टू। गो टू एनी पर्टिकुलर सेल, एनी पर्टिकुलर सिलेक्शन और एनी पर्टिकुलर नेम। पहले हम आपको नेम क्रिएट करना बताते हैं, उसके बाद हम इसको गो टू भी सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऐसे ही मूव कर सकते हैं कि हम अगर चाहते हैं कि हम मूव होना चाहते हैं C6 पे। ओके, ये C6 पे मूव हो गया, सी कॉलम एंड सिक्स रो। लेकिन अगर हमारी शीट में बहुत सारे जो है ना वो हमने एरिया सेलेक्ट किए हुए हैं और उनको नेम्स डिफाइन किए हुए हैं, तो उन पर भी हम मूव कर सकते हैं बाय गो टू कमांड थ्रू कंट्रोल जी कीबोर्ड शॉर्टकट की। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस सिलेक्शन को कोई नेम देना चाहते हैं। वैसे तो ये हर सेल और हर जो पॉइंट है वो अलहदा है, लेकिन इस पूरी सिलेक्शन को हम नेम देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट। ओके, नाउ हम अपनी वर्कशीट में हमारा कर्सर कहीं पे भी हो, हमारी लोकेशन कोई भी हो, हम चाहते हैं कि हम टेस्ट वाली सिलेक्शन में जो डाटा था वहां पे हम जंप करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल जी जब प्रेस करेंगे, कंट्रोल जी, तो जितने भी सेल होंगे या नेम डिफाइन हुए वो होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल होगी। ये टेस्ट यहाँ पे हमने डिफाइन किया था, अब ओके करेंगे तो टेस्ट वाली सिलेक्शन पे ये मूव हो जाएगा। तो कंट्रोल जी इज फॉर गो टू एंड कंट्रोल एच इज फॉर रिप्लेस, कि जो भी डाटा, जो भी वर्ड्स हमने फीड किए हुए हैं अपनी वर्कशीट में उनको रिप्लेस करने के लिए। वैसे तो अगर एक आधे वर्ड हैं तो हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं मैन्युअली भी, और अगर बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे वर्ड हैं जो हंड्रेड्स टाइम्स जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं, उनको हम अगर किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो इसके लिए हम कंट्रोल एच की कमांड यूज़ करेंगे, जिससे हम किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल जो नॉट गुड यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम नॉट फेयर के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, या गुड को हम फेयर के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल एच की कमांड यूज करेंगे, तो इसको बताएंगे किस चीज़ को फाइंड करें और किसके साथ रिप्लेस करें। हम चाहते हैं कि ये फाइंड करे गुड एंड इसको रिप्लेस करे फेयर के साथ, तो नॉट गुड भी नॉट फेयर के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो जितने भी गुड के वर्ड होंगे वो फेयर के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। अगर वन बाय वन करना चाहते हैं तो फाइंड करके हम रिप्लेस करते जाएंगे, और अगर हम चाहते हैं कि सारे ही रिप्लेस हो जाएं तो रिप्लेस ऑल करेंगे, जितने भी गुड होंगे वो सारे ही फेयर के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। ऑल डन, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट्स, तो 5 इसने गुड जो है वो फेयर के साथ रिप्लेस कर दिए। हम इसको अंडू कर देते हैं, ये कमांड भी आगे आएगी। दिस वॉज कंट्रोल एच। Now control I. Control I is a formatting command with which we can italic our text. For example, ये excellent जो word लिखा हुआ है ये सीधा लिखा हुआ है, अगर इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा या तिरछा करना चाहते हैं तो control I की command use करेंगे, तो ये italic हो जाएगा, ये तिरछा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ये है control I. Control J. Control J एक command है जो text जो column में
कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, वो फिलहाल हम स्किप करते हैं क्योंकि ये एडवांस्ड कमांड है। टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट है वो एक ही सेल में लिखा हुआ है, उसको हम मल्टीपल कॉलम में या मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके हम कंट्रोल जे के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये एडवांस कमांड है, इसको आगे हम करेंगे। जस्ट फिलहाल हम इसको वी आर गोना स्किप इट। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल के। कंट्रोल के इज फॉर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इसलिए हम यूज करते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में रहते हुए किसी और डॉक्यूमेंट में जंप कर जाएं, उसका लिंक हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हमने अलग अलग इनके फाइल बनाए हुए हैं, नज़ाकत, जफर, कुर्बान, इनके अलग अलग फाइल बनाए हुए हैं और हम चाहते हैं कि इनके लिंक भी हम यहाँ पे डिफाइन कर दें, तो क्या करेंगे, इनके हाइपर लिंक बना देंगे कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के प्रेस करेंगे, ये हमसे पूछेगा कि इस नेम को किस फाइल के साथ लिंक करना है, कंट्रोल के, तो उस फाइल वो हम इसको बताएंगे, उसका लिंक ये बन जाएगा इसके साथ, फॉर एग्जांपल 1212 और एनी, फॉर एग्जांपल दिस वन। ओके, तो ये उस फाइल के साथ इसका लिंक बन गया। अब देखें जैसे हम माउस इसके ऊपर लाते हैं तो ये हैंड की कमांड जो है ना वो शेप चेंज हो जाता है कि ये एक लिंक है जिसको हम क्लिक करेंगे तो ये दूसरा फाइल ओपन हो जाएगा जो हमने इसको दिया था। ठीक हो गया, दिस वॉज कंट्रोल के फॉर क्रिएटिंग हाइपर लिंक। नाउ कंट्रोल एल। कंट्रोल एल इज फॉर क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल जो है ये ऐसी कमांड है कि फॉर एग्जांपल हमने डाटा तो ये रफ एक फिल कर दिया है, रॉ डाटा हमने ये शेप लिख दिया है इसमें, अब इसको डिज़ाइन करने के लिए, इसको शेप क्रिएट करने के लिए या इसका जो है ना वो इसको नेम देने के लिए हम टेबल को क्रिएट करते हैं ताकि इसको फर्दर हम डिज़ाइन कर सकें, फॉर्मेट कर सकें, उसके लिए कंट्रोल एल की कमांड हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल एल, कंट्रोल एल, ये एक टेबल क्रिएट हो रही है इस सिलेक्शन से लेकर ये इस सिलेक्शन तक, ये पूरी सिलेक्शन और एरिया भी ये खुद डिफाइन कर रहा है। ओके करेंगे, ये एक टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसका ये ऑटो फॉर्मेट इसने दे दिया है। इसमें ये भी ऑप्शन था कि हम इसको सिलेक्ट कर दें कि आइदर हमने अपने डाटा के जो हेडर्स हैं वो खुद डिफाइन किए हुए हैं या एक्सेल जो है वो एक डमी हेडर्स जो है ना वो खुद क्रिएट कर दे, लेकिन ये हमने हेडर दिए हुए थे और वो ऑप्शन जो है ना वो एनेबल हुआ था, इस वजह से इसने हेडर्स जो है ना वो हमारे ही सिलेक्ट कर दिए हैं। सो दिस वाज कंट्रोल एल फॉर क्रिएट टेबल। नाउ कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है, प्रैक्टिकली हमने भी देखा है कि कंट्रोल एम से कोई भी कमांड यूज नहीं होती है और ना ही इसमें कोई डिफाइन हुई होती है। मे बी कंट्रोल एम जो है ये रिजर्व्ड कीवर्ड हो फॉर क्रिएटिंग एनी यूजर डिफाइंड कमांड। ओके, सो हम मूव होते हैं कंट्रोल एन से। कंट्रोल एन फॉर ओपनिंग न्यू वर्कबुक। इस वक्त जो वर्कबुक ओपन है हम चाहते हैं कि न्यू एक वर्कबुक हम ओपन करना चाहते हैं, ब्लैंक वर्कबुक, उसके लिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो ये न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगा। कंट्रोल एन, ये न्यू एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गया। ठीक हो गया, हम इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ इज यूज फॉर ओपनिंग योर एग्जिस्टिंग सेव्ड डॉक्यूमेंट्स। जो आपके कंप्यूटर में पहले से सेव्ड वर्कबुक्स हैं उनको ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ की कमांड यूज करते हैं। कंट्रोल ओ करेंगे तो हमारे पास लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पहले से सेव हुए हुए हैं, पूरे कंप्यूटर में हम ब्राउज करके एक्सप्लोर करके उन डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ इज फॉर ओपन। नाउ कंट्रोल पी। कंट्रोल पी इज फॉर प्रिंट, कि हम अगर अपने डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करना चाहते हैं प्रिंटर के थ्रू और प्रिंटिंग के ऑप्शंस को सेट करना चाहते हैं, उसके लिए हम कंट्रोल पी को प्रेस करेंगे प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। कंट्रोल पी, और इसमें हमें ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि जो डाटा हमने वर्कशीट में सेट किया है वो प्रिंट आउट के बाद हार्ड कॉपी में पेपर पर किस तरीके से नजर आएगा, और इसमें फर्दर जो ऑप्शंस हैं वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं जो हम आगे चल के आपको बताएंगे, लेकिन जस्ट यहाँ पे आप ये सीख लें कि कंट्रोल पी के साथ हम प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन करके अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू वर्क सेम एज कंट्रोल ए बट विद सम लिमिटेशंस। जैसे कि कंट्रोल ए को हम पहले रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि कंट्रोल ए जो है उसके साथ सिलेक्शन सिलेक्ट करते हैं हम डाटा को,
अगर हमारा कर्सर किसी टेबल के अंदर है और हम कंट्रोल ए को प्रेस करते हैं तो वो फर्स्ट स्टेप में कंट्रोल ए जो है वो उस टेबल को ही सिलेक्ट करेगा, और अगेन हम अगर कंट्रोल ए को प्रेस करते हैं तो वो अपनी सिलेक्शन को एक्सपेंड कर देगा थ्रू ऑल वर्कशीट। लेकिन कंट्रोल क्यू जो है वो जस्ट विद इन टेबल जो है उस टेबल को ही सिलेक्ट करता है, वो आगे पूरी सिलेक्शन पूरे वर्कशीट को सिलेक्ट नहीं करता है। अभी प्रैक्टिस करते हैं, कंट्रोल ए हम रिवाइज करते हैं। कंट्रोल ए को जब हम प्रेस करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में डाटा को सिलेक्ट करेगा, सेकंड अगर कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे तो हेडर्स को भी इंक्लूड कर देगा, हेडिंग्स को, और अगर थर्ड टाइम हम इस कंट्रोल ओ को प्रेस करेंगे तो पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट कर देगा। ये कंट्रोल ए के स्टेप्स हैं और ये ऑल सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है, लेकिन कंट्रोल क्यू जो है वो जस्ट विद इन टेबल कंट्रोल क्यू जो है वो उसको सिलेक्ट करता है डाटा को जो टेबल के अंदर डाटा है कंट्रोल क्यू। देखिए अगर हम सेकंड टाइम भी प्रेस करते हैं तो वो आगे इस अपने सिलेक्शन को एक्सपेंड नहीं करता है, ये डिफरेंस है कंट्रोल ए और कंट्रोल क्यू में। आगे है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर इज यूज फॉर फिल राइट। जो हमारा डाटा कर्सर के या सेल के लेफ्ट पे अवेलेबल है उसको अगर हम कंट्रोल आर वहां पे कमांड यूज करेंगे तो लेफ्ट वाले डाटा को राइट में फिल कर देगा, जिसको ऑटो फिल भी कह सकते हैं। अगर कंट्रोल आर को प्रेस करेंगे और कर्सर हमारा F5 में अवेलेबल है तो इसके लेफ्ट में E5 का डाटा जो है वो कॉपी होके F5 में आ जाएगा, कॉपी पेस्ट भी कह सकते हैं इसको, फिल भी कह सकते हैं। राइट फिल के लिए कंट्रोल आर यूज होता है, प्रेस करेंगे कंट्रोल आर, ठीक हो गया इस तरीके से। और यहाँ पे जस्ट इतना नहीं है कि अगर हमने इस कॉलम में पहले ही फिल पैटर्न वाला ऑप्शन यूज किया हुआ होता तो पूरे सेल में जितने भी लेफ्ट पे इसके पैटर्न है वो सारे ही राइट पे फिल कर देता। तो कंट्रोल आर इज फॉर फिल राइट। आगे है नेक्स्ट है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस इज फॉर सेव डॉक्यूमेंट। हमने जो इस वक्त काम किया है अगर हम चाहते हैं कि ये डाटा सेव हो जाए जहां तक हमने आखिरी एक्टिविटी परफॉर्म की है तो कंट्रोल एस को प्रेस कर देंगे। अगर तो हमने प्रीवियसली इस डॉक्यूमेंट को सेव ना किया हुआ होगा तो ये हमसे पूछेगा इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए नाम के किस नाम से क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी इसको सेव करें। लेकिन अगर हमने इस फाइल को पहले ही सेव किया हुआ है जिसका नाम ये ऊपर टाइटल बार में आ जाता है कि ये प्रैक्टिस के नाम से पहले सेव किया हुआ है तो अगर हम कंट्रोल एस को प्रेस करेंगे तो ये अप टिल नाउ इस एक्टिविटीज को सारी को सेव कर देगा कंट्रोल एस के साथ। कंट्रोल एस, ये हमारा डॉक्यूमेंट अपडेट सेव हो गया। नाउ कंट्रोल टी। कंट्रोल टी भी वैसे ही काम करता है जैसे कंट्रोल एल काम करता है टू क्रिएट टेबल। हम कोई भी डाटा फॉर एग्जांपल यहां पे लिखते हैं और हम चाहते हैं कि ये तो एक सिंपल डाटा है इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग या डिजाइनिंग नहीं की हुई है लेकिन हम चाहते हैं कि इसका डिजाइन बन जाए और ये टेबल फॉर्मेट में आ जाए तो कंट्रोल एल को प्रेस करेंगे तो भी ये टेबल क्रिएट हो जाएगी और कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे तो भी ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। लेकिन 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 कंट्रोल टी जो है ये इसको फर्दर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है कंट्रोल टी के साथ और कंट्रोल एल जो है वो जस्ट टेबल को क्रिएट करता है। कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे कंट्रोल टी तो ये सिलेक्ट भी कर देगा और टेबल को क्रिएट भी कर देगा और फॉर्मेट भी कर देगा। दिस इज कंट्रोल टी। नाउ कंट्रोल यू। कंट्रोल यू है टू अंडरलाइन द डाटा इन सेल और सिलेक्शन। कंट्रोल यू अगर प्रेस करेंगे हम तो ये इस वक्त जो डाटा यहाँ पे इस सेल में है उसको अंडरलाइन कर देगा कंट्रोल यू। कंट्रोल वी इज फॉर पेस्ट which we have previously cut or copy। अगर हमने previously जो भी cut या copy किया है उसको paste करने के लिए control V की command use होती है और आपको पता है कि control C जो है वो copy के लिए use होता है। यहाँ पे हम control C को press करते हैं ये data copy हो गया। अब हम control V करेंगे तो ये यहाँ पे paste हो जाएगा इस जगह पे control V। कंट्रोल W। कंट्रोल W यूज होता है ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। जो भी इस वक्त डॉक्यूमेंट ओपन है एक्सेल में खड़े हुए हैं तो ये वर्कबुक है, इस वर्कबुक को क्लोज करने के लिए कंट्रोल W से हम इसको क्लोज कर सकते हैं।
कंट्रोल डब्ल्यू को प्रेस करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू तो इसको क्लोज करेगा, लेकिन ये हमसे पूछ रहा है कि जो लास्ट आपने सेव किया था उसके बाद भी आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो उस लास्ट एक्टिविटी या चेंजेस को भी सेव करने के लिए आप सेव को प्रेस करें या डोंट सेव करके इसको ऐसे ही एग्जिट कर दें या इस कमांड को कैंसिल कर दें। कंट्रोल डब्ल्यू इज फॉर क्लोज द वर्कबुक। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी की तरह ही कॉपी करता है लेकिन वो मूव करता है डाटा को। कंट्रोल सी क्या करता है, डाटा की कॉपी बना देता है। ओरिजिनल डाटा अवेलेबल होता है लेकिन उसकी दूसरी कॉपी बना के दूसरी जगह पे हम उसको पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल एक्स क्या करता है, उसको कट कर देता है, वो ओरिजिनल जगह से ख़त्म हो जाता है और न्यू जगह पे पेस्ट हो जाता है। हम अगर यहाँ से इस वर्ड को मूव करना चाहते हैं जी कॉलम में, तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल एक्स, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जब हम पेस्ट करेंगे यहाँ से ख़त्म होकर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और पेस्ट करने के लिए यू नो दैट वी यूज कंट्रोल वी कमांड, कंट्रोल वी। लुक, कंट्रोल वी से जो है ना वो डाटा अपनी असल जगह से मूव हो गया, ख़त्म हो गया और ये आ गया न्यू जहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया था। कंट्रोल एक्स, नाउ कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई इज यूज्ड फॉर रीडू। रीडू मींस जो हमने लास्ट अंडू किए थे स्टेप्स या रिवर्स किए थे स्टेप्स, उनको फिर फॉरवर्ड करने के लिए अंडू रीडू की कमांड यूज होती है। तो इससे पहले हम कंट्रोल जी सीखते हैं। कंट्रोल जी इज फॉर अंडू, कि हमने लास्ट एक्टिविटी जो परफॉर्म की है उसको रिवर्स करने के लिए, अंडू फॉर रिवर्स अवर लास्ट एक्टिविटी, और रीडू इज फॉर जो हमने रिवर्स की थी एक्टिविटी उसको फॉरवर्ड करने के लिए। क्या फॉर एग्जांपल हमने अगर मल्टीपल एक्टिविटीज रिवर्स की हुई है कंट्रोल जी कमांड के थ्रू, अंडू कमांड के थ्रू, तो हम उसको सम स्टेप्स फॉरवर्ड कर देते हैं अपने नॉर्मल स्टेट तक आने के लिए, जिसके लिए हम कंट्रोल वाई की कमांड यूज करते हैं, कंट्रोल वाई। अब ये कंट्रोल वाई की कमांड इसलिए यूज की है कि हमने कोई भी कंट्रोल जी की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है, कोई भी अंडू की कमांड नहीं यूज की, इसलिए कंट्रोल वाई भी यूज नहीं होगा। कंट्रोल वाई तब यूज होगा जब कोई स्टेप्स हमने अंडू किए हुए होंगे। फॉर एग्जांपल हम कंट्रोल जी कमांड यूज करते हैं, कंट्रोल जी अंडू करते हैं, ये लास्ट हमारी एक्टिविटी थी, यहाँ पे हमने पेस्ट किया था और फॉर्मेटिंग पे क्रिएट हो गई थी। कंट्रोल जी अगेन करते हैं, ये मूव किया था वो वापस हो गया। कंट्रोल जी अगेन करते हैं, अगेन हम कंट्रोल जी की कमांड यूज करते हैं, तो अगला स्टेप जो हमने यहाँ से ये कॉपी किया था इस जगह से और यहाँ पेस्ट हुआ था, वो कमांड भी अंडू हो गई। एक और स्टेप अंडू करते हैं कंट्रोल जी, ये यहाँ पे हमने अंडरलाइन का की कमांड यूज की थी, वो अंडू हो गई। अब हमने मल्टीपल स्टेप्स जो है ना वो अंडू कर लिए हैं थ्रू कंट्रोल जी कमांड। अब हम चाहते हैं कि हम ज्यादा रिवर्स चले गए हैं, कुछ फॉरवर्ड आते हैं, तो कंट्रोल वाई करेंगे तो वही कमांड जो है ना वो रिवर्स वाली फॉरवर्ड में चलना शुरू हो जाएंगी। अंडू भी वापस आ गया, फिर वो जो कॉपी पेस्ट किया था वो भी वापस आ जाएगा कंट्रोल वाई के थ्रू। ये कुछ इसमें सीरीज ऑफ कमांड्स होती हैं जिसमें लिमिट होती है कि आप कितनी कमांड जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा ए से लेकर जेड तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कीबोर्ड के थ्रू शॉर्टकट कीज को यूज़ करना। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल इन्फो विद कुर्बान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेसन, अगली वीडियो के साथ और अगले लेक्चर के साथ। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।